दोस्तों ट्रेन के जनरल कोच में 40 यात्रियों को लूटने का एक ऐसा मामला सामने आया जो सभी को हैरान कर दिया। आखिर क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके द ट्रेन फैक्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों न्यूज में छपी आर्टिकल के अनुसार महाराष्ट्र के नागपुर में चलती ट्रेन में यात्रियों के साथ लूटपाट का एक ऐसा मामला सामने आया। ट्रेन में सफर कर रही एक यात्री ने इस घटना की जानकारी तुरंत रेलवे पुलिस को दी और स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने से पहले आरपीएफ जवान प्लेटफॉर्म पर अलर्ट हो गए और रात में जैसे ट्रेन स्टेशन पहुंची सभी यात्रियों ने पुलिस को अपनी आपबीती बताई। मिली जानकारी के अनुसार 3 या 4 जनवरी को रात करीब 1 बजे पुणे एक्सप्रेस ट्रेन वर्धा रेलवे स्टेशन से नागपुर की ओर रवाना हुई थी और किन्नरों के भेष में 6 लोग चढ़ते हैं और ट्रेन की स्पीड होते ही किन्नरों ने स्लीपर बोगी से जनरल बोगी में प्रवेश किया और यात्रियों से जबरदस्ती 500-500 रुपए मांगने लगे और जिन लोगों ने नहीं दिए उनके साथ बदतमीजी और मारपीट किए, जिससे कि कुछ लोग डर कर पैसे दे दिए। उसके बाद आरपीएफ को इसकी जानकारी मिलते ही तुरंत अलर्ट हो गई और ट्रेन स्टेशन पर पहुंचते ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 4 लोग फरार हो गए। क्या आपको भी ट्रेन में किन्नरों ने परेशान किया है और कौन सी ट्रेन में, कमेंट में लिखकर जरूर बताना।